इधर श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर में पति ने धारदार हथियार से वार कर अपनी पत्नी की हत्या कर दी। हत्या कर शव को खेत में बनी पानी की डिग्गी में फेंक कर फरार हो गया। सूचना पर पहुंची समेजा पुलिस ने शव को राजकीय अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है, तो वहीं आरोपी की तलाश भी की जा रही है। पूर्णाराम ने करीब 2 वर्ष पूर्व अपने भाई की हत्या की थी, जिसके चलते वो लंबे समय से जेल में था। अभी 2 महीने पूर्व ही उसकी जमानत हुई थी, लेकिन मानसिक विकृतता आप यहां पर देखिए, 2 महीने पहले ही जमानत पर छूट कर आया और अपने भाई की हत्या के आरोप में जेल में बीते लंबे समय से बंद रहा। 2 वर्षों तक जेल में बंद रहा, 2 महीने पहले ही जमानत मिली और आकर के इस बार अपनी पत्नी की हत्या कर दी। सूचना मिली थी एक औरत डिग्गी में गिरी हुई है, जिस पर मौके पर आईओ भेजा गया, तो तब तक उसको निकाल कर सरकारी अस्पताल ले आए थे। जब जीवित थी हॉस्पिटल आकर उसकी मौत हो गई, तो पता चला कि वो दोनों मृतका कमलेश और उसका पति पूर्णाम दोनों वहाँ खेत में 5-6 एकड़ जमीन काश्त करते थे। तो मौका पर खून वगैरह पड़ा है, उसके चोटें लगी हुई हैं औरत के, कमलेश के। उनके परिजनों का इंतजार किया जा रहा, आने पर जैसे सूरत होगी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल पूर्णराम फरार हो गया है, जिसकी तलाश के लिए विभिन्न टीमें रवाना की जा चुकी हैं। नशे की हालत में पति ने पत्नी पर धारदार हथियार से हमला कर उसे मौत के घाट उतार दिया। यही नहीं, हत्या करने के बाद आरोपी ने खेत में बनी डिग्गी में भी मृतका का शव फेंक दिया और आरोपी फरार हो गया। मामला है समयजा थाना क्षेत्र के खिचिया ग्राम पंचायत की एक ढाणी का, जहां शराब के नशे में पति ने पहले धारदार हथियार से पत्नी की हत्या की और उसके बाद पत्नी का शव पानी की डिग्गी में फेंक फरार हो गया। हत्या आरोपी पूरन वाल्मीकि पूर्व में अपने भाई की हत्या के आरोप में जेल में बंद था, जिसकी 2 माह पूर्व ही जमानत हुई थी और इसने इस घटना को अंजाम देकर आरोपी फरार हो गया। फिलहाल पुलिस ने मृतका का शव रायसिंह नगर के राजकीय अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है और वहीं पुलिस की कई टीमें लगाकर हत्या आरोपी की तलाश की जा रही है और समेजा SHO करतार सिंह, FSL व डॉग एक्सपर्ट टीम सहित घटनास्थल पर साक्ष्य जुटाने में जुटे हैं। कैमरा पर्सन महेश बिश्नोई के साथ हेम सिंह राजपुरोहित, फर्स्ट इंडिया, रायसिंह नगर।